हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ चंद्र आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को फोर सेंटर मेथड से एलिप्स बनाना बताऊंगी। तो फोर सेंटर मेथड से एलिप्स बनाना बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा समझना होता है उसको। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को एलिप्स बनाना बताया है, बट वो आइसोमेट्रिक व्यू में एलिप्स बनाना बताया था। आज मैं आपको फोर सेंटर मेथड से एलिप्स बनाना बताऊंगी। इसके लिए दो डायमेंशन बहुत ज़रूरी होती हैं, मेजर एक्सिस 120 mm, माइनर एक्सिस 80 mm। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। आप पे स्केल की सहायता से हमने 120 mm जो लाइन है वो ड्रॉ करनी है। को नाम दे दिया ए बी। माइनर एक्सिस निकालने के लिए ए बी लाइन को दो बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे दो पॉइंट मिल गए हैं, यहाँ पे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे ये जो लाइन क्रॉस हो रही है इसको नाम दे दिया ओ। पॉइंट मिल गया मुझे ओ। माइनर एक्सिस हमारा 80 mm है, इसका हाफ 40 mm हो जाएगा। स्केल में 40 mm की कंपास में दूरी लेंगे। और ओ पे रखेंगे अपने कंपास को, तरीके से यहाँ पे आर्क लगा लेंगे। दो पॉइंट मिले आपको, ये 40 mm ऊपर, 40 mm नीचे, 80 mm हो गया। नाम दे दिया सी और डी। यहाँ पे ए और सी को आपस में मैच कर देंगे, इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। सीखे से एक लाइन डाल दिए। कंपास में के पॉइंट को ओ पे रखेंगे और ए की दूरी भरेंगे कंपास में इस तरीके से, और एक आर्क बनाएंगे। मैंने ऊपर लाइन पहले से एक्सटेंड कर रखी थी, वहाँ पे आके इस तरीके से मिल गया। इसको नाम दे दिया ई। कंपास में दूरी भरेंगे, अपने कंपास के पॉइंट को सी पे रखेंगे, ये जो सी पॉइंट था यहाँ पे रखा, और ई की दूरी भरेंगे अब, और एक आर्क इस तरीके से लगाएंगे। ये जो इंक्लाइन लाइन है इस पर एक आर्क इस तरीके से डालेंगे। ये जो पॉइंट मिला इसका मैंने नाम दे दिया एफ। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं पॉइंट का। अब ए और एफ की ये जो लाइन है इसको हमें दो बराबर भागों में डिवाइड करना है। तो हम कंपास को एफ के एफ पे रखेंगे, आधे से अधिक दूरी लेंगे। इस तरीके से इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाएंगे। और इस लाइन को नीचे इतना एक्सटेंड करना है कि जो आपने मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस बनाया था वहाँ पे आगे कहीं पे कट हो। पहली चीज़ तो ये जो कट हुआ है यहाँ पे, ये पॉइंट मिल गया हमें वन। फोर सेंटर मेथड से बनाना है, मुझे वन पॉइंट मिल गया है। टू पॉइंट कहाँ पे मिला, डी के कुछ नीचे मिला है, देखिए थोड़ा सा नीचे आ रहा है। तो ये डी के थोड़ा सा नीचे है, यहाँ पे आ गया टू पॉइंट। कंपास में दूरी भरेंगे,
ओ पे कंपास को रखेंगे और वन की दूरी भरेंगे। और इधर और जो बी से बी के साइड था इधर इधर भी हम एक आर्क लगा लेंगे। ये पॉइंट मिल गया मुझे 3। 4 पॉइंट के लिए क्या करेंगे, कंपास को ओ पे रखेंगे और 2 की दूरी भरेंगे। मैंने 2 की दूरी भर ली है और ऊपर लगाएंगे। ये सी के थोड़ा सा ऊपर आएगा, पॉइंट नंबर 4 मिल जाएगा ये हमें। अब यहाँ पे हमें 4 पॉइंट मिल गए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। अब सभी पॉइंट को इंटरसेक्ट से मिलाएंगे, 1 को 4 से मिलाएंगे। इस तरीके से सभी पॉइंट को आपस में इंक्लाइन लाइन डालनी है यहाँ पे और लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करना है। 1 और 2 मिला हुआ है, इसी तरीके से 2 और 3 को मिलाना है। 2 पॉइंट को 3 पॉइंट को आपस में इसी तरीके से मैच कराना है, लाइन को थोड़ा सा इंटरसेक्ट करना है। 4 और 3 को आपस में जोड़ देना है। इस तरीके से बना लेना है तो एक इस तरीके से शेप बन के मिलेगा आपको। अब हम सभी पॉइंट पर रख के अपने इलिप्स को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 1 पर रखेंगे कंपास को और 1 की दूरी भरेंगे। इस तरीके से आर्क बनाएंगे। इसी तरीके से 3 पर रखेंगे अपने कंपास को और बी की दूरी भरेंगे और इस तरीके से आर्क लगाएंगे। ठीक उसी तरीके से पॉइंट नंबर 2 पर रखेंगे कंपास को और जो आपने सी पॉइंट लिया था उसकी दूरी भरेंगे। या आप यहीं से भी बना सकते हैं जो आपने यहाँ पे पॉइंट आपको मिला हुआ है। इस तरीके से मिलाना है। ठीक उसी तरीके से 4 पॉइंट जो मिला था यहाँ पे अपने कंपास के पॉइंट को रखना है और डी की दूरी भरना है। इस तरीके से आपको बनाना है। ये आपका एलिप्स बन के तैयार हो गया है। तो ये इस तरीके से आपका एलिप्स बन के तैयार हो गया है। मैंने इसको कलर से इसलिए हाईलाइट कर दिया जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, लेकिन आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस तरीके से कलर का कहीं पर भी यूज़ नहीं करना है, सिर्फ पेंसिल और इरेजर का ही यूज़ करना है जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट हैं। फ्रेंड्स, अगर जो आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें जिससे आपको इससे रिलेटेड सभी वीडियोज़ उपलब्ध हो जाएँ। धन्यवाद।